बिहार के शहर में फैला बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के सबसे खतरनाक वेरिएंट से जा रही मुर्गी मुर्गियों की जान। पशुपालन विभाग चला रही सघन अभियान, लेकिन लोग कर रहे हैं इसका विरोध। हजारों मुर्गे मुर्गियों को मारा गया, मनाही के बाद भी चिकन व अंडे खाने से लोग नहीं आ रहे बाज। बर्ड फ्लू कितना है खतरनाक, बचने के क्या है उपाय, देखें रिपोर्ट में। बिहार के भागलपुर में मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है। यहां बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट H5N1 मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस को रोकने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर के बरारे स्थित कुकुर परिक्षेत्र को केंद्र मानकर 10 किलोमीटर में संचालित सभी पॉलिसी फार्म के मुर्गे मुर्गियों व बत्तखों को पकड़कर उन्हें दफनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के लोग लगातार लोगों से मुर्गे और अंडे खाने के लिए मना कर रहे हैं, ताकि यह खतरनाक वायरस लोगों के शरीर में प्रवेश ना करे। लेकिन लोग हैं कि खाने से बाज नहीं आ रहे, बल्कि उल्टा पशुपालन विभाग की टीम का विरोध कर रहे हैं। अब तक 10,000 चूजों व हजारों मुर्गे मुर्गियों को मारकर दफनाया जा चुका है। प्रशासन द्वारा अभी भी बर्ड फ्लू से संक्रमित मुर्गे मुर्गियों व बत्तख को पकड़कर दफनाने की कवायद जारी है। गौरतलब है कि बर्ड फ्लू एक घातक बीमारी है जो पशुओं में फैलती है, खासकर मुर्गे मुर्गियों बत्तख और घोड़े में होती है। जिन पशु को बर्ड फ्लू हो जाता है 48 घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वायरस से संक्रमित पशु दूसरे पशु को भी संक्रमित करते हैं, इसी संक्रमण को रोकने के लिए उन्हें मारकर दफना दिया जाता है। अरे किसी का तो वो घुसा नहीं, पकड़ना है उसको, वो बर्ड फ्लू फैला हुआ है, इसीलिए आदमी को बीमारी होता है या नहीं ये पहले बताइए आप हमको। हम जो आदमी उससे आदमी को बीमारी होता है या नहीं ये पहले बताइए आप। इससे जानकारी हो गया कि हमको इससे बीमारी है तो हम उसको हटा देंगे ना। कहाँ हटेंगे, यही मुर्गी कुछ नहीं है, इससे बीमारी नहीं है। चलिए खोलिए, करके रखिएगा आप, आप रात में पकड़ के रखिएगा। हाँ रात में तो खड़ा, ये आपकी जवाबदेही है, समझे। अब मजाक मत बनाइए कोनो चीज का। टीका चला है, टीका लगवाइए, गाँव का दवाई चल रहा है, अगर अपने पकड़ने दीजिए आप क्लिक कर दीजिए। बिहार के जिला पदाधिकारी के चिट्ठी के अनुसार, पत्र के अनुसार 27, 28, 29 जहां पर बरारी केंद्रीय हैचरी में बीमारी आया है, वहां से 1 किलोमीटर के रेडियस में उसको हमको घेराबंदी करके वहां का मुर्गी को पकड़ के क्लिंग करना। कितना जगह किए हैं अभी? अभी हम लोग 27 कर चुके हैं, 28 में कर रहे हैं। विरोध भी लोग कर रहे हैं? हाँ विरोध तो भयंकर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम आप उनको मुर्गी पालक को कह रहे हैं कि अगर आदमी में फैल जाएगा ये बीमारी तो मुर्गी पालने वाला कहाँ रहेगा, इसीलिए पहले मुर्गी को समाप्त कर दीजिए, बीमारी समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः 4 महीना 5 के बाद आप बहुत परेशानी हो रहा है। हमारा सेंटर जो है बर्ड फ्लू का, वो हमारा सरकारी जो पोल्ट्री फार्म बराड़ी में वो सेंटर हमारा, उसके 1 किलोमीटर की परिधि में जो 3 वार्ड है हमारे 28, 27, 28 और 29, उस 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी पोल्ट्री बर्ड है, कल हम लोगों ने उसका सर्वे किया और आज उसके कलिंग का काम कर रहे हैं। तो सारे पोल्ट्री बर्ड जो भी हमको मिल रहे हैं, पोल्ट्री बर्ड्स और अंडा, उनको कलेक्शन करके हमारा डिस्पोजल यार्ड वार्ड बना हुआ है, वहाँ पिट बना हुआ है, उस डिस्पोजल पिट में जो साइंटिफिक तरीका है उस तरीके से हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे, और जिनका भी बर्ड्स का कलिंग हुआ है उनको बाद में सरकारी मुआवजा जो है वो मिलेगा। अभी तक किलिंग किया जा चुका है 11,000 चूजा पोल्ट्री फार्म में हमारा, 11,000 चूजा का कलिंग हुआ है और 5,000 पोल्ट्री बर्ड का कलिंग हुआ है, और यहाँ तो अभी हम लोग रिपोर्ट कंपाइल नहीं किए हैं वार्ड्स का, तो अभी जा रहे हैं तो बैठे उसको कंपाइल करेंगे उसको तभी।